आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री चैतन्य होलिस्टिक हीलिंग हब में। आशा रखती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से हैं। चलिए देखते हैं आज वर्गो मींस कन्या राशि के पहले तीन महीने 2024 में कैसे रहने वाले हैं। हम ये रीडिंग करेंगे टैरो के द्वारा। टैरो देखिए, जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेटरी मूवमेंट्स के कारण हमारी लाइफ में जो अप एंड डाउन्स या फिर हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा होता है वो हमारे प्लैनेट्स के कारण होता है। तो प्लैनेट्स क्या है? बेसिकली एनर्जी है, एंड व्हाट वी डू थ्रू टैरो, टैरो से भी हम एनर्जीज को कैच करते हैं और वो कार्ड्स के रूप में हमारे सामने आती है और हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देती है कि क्या होने वाला है आगे या फिर क्या हो रहा है या क्या हो चुका है। सो लेट्स टेक टूडेज रीडिंग फॉर वर्गो पीपल, फॉर आर कन्या राशि पीपल, कि उनके पहले तीन महीने 2024 में क्या रहने वाले हैं। अभी तक दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी कीजिएगा और अपने लव वंस के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे से टैरो का, रेकी का या न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाहें या न्यूमरोलॉजी के थ्रू और भी ज्यादा अपनी लाइफ की इनसाइट देखना चाहें कि आगे क्या होने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या ऑप्शंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, सो दैट आप उनको इजीली फेस कर पाए इन फ्यूचर और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल भी पाए थ्रू रेमेडीज। सो लेट्स टेक टुडेज रीडिंग फॉर वर्गो पीपल। वर्गो के लिए क्या गाइडेंस है? फर्स्ट कार्ड, ब्यूटीफुल रीडिंग, दिस इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। ओ माई गुडनेस, अमेजिंग अमेजिंग। जनवरी, मैजिशियन का कार्ड आया, यू आर द मैजिशियन, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। वर्गो पीपल, कन्या राशि के जितने भी लोग इसे देख रहे हैं इस वीडियो को, मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत मैनिफेस्टेशंस की है, बहुत हार्डवर्क किया है अपने पास्ट में, जो सब कुछ आप अब मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, या फिर आप पास्ट में आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, अब नाउ यू गॉट द चांस, यू गॉट दैट इनसाइट, परसेप्शन आपका शायद बदल गया है कि आपके अंदर सारी पावर्स हैं, अब आपको वो पावर्स पता चल गई हैं और नाउ यू आर रेडी टू यूज देम ऑल्सो। ठीक है, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जनवरी के मंथ में ये आपके लिए एनर्जी आई है, दैट मीन्स दिस ईयर विल गोइंग टू बी वेरी 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 ड्रीम क्रम ट्रू फॉर यू। ठीक है, लेट्स टेक मोर कार्ड्स की आपकी और ज्यादा हमें इनसाइट मिले जनवरी कैसा रहेगा। ओके, कार्ड्स आर ओके, वी गॉट टू कार्ड्स, इनफ। डेविल की एनर्जी यहां पर आई है एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स की। मुझे लगता है पास्ट में आप कुछ चीजों को लेके बहुत ऑब्सेस थे, आप मतलब कि एक तरह से आपके वो ड्रीम्स थे लेकिन वो पूरे इसलिए नहीं हो पा रहे थे क्योंकि आप ऑब्सेस थे। ऑब्सेस मींस बहुत ज्यादा, मतलब कि बार बार ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, इस तरह से क्यों नहीं हो रहा, अब क्यों नहीं हो रहा, जब मैंने चाहा तब क्यों नहीं चीज हो रही। तो उसके कारण आप अपनी मैजिशियन जो पावर्स हैं आपके अंदर आप उनको यूज ही नहीं कर पा रहे थे। नाउ यू गॉट दैट परसेप्शन, आपकी इनसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है, जिसके कारण अब आप इस ऑब्सेशन से बाहर आके टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे। दिस इज द ईयर ऑफ ड्रीम कम ट्रू। अगेन आई एम टेलिंग यू, इस साल में आपने जो कुछ भी सोचा था उन सभी सपनों को पूरा कर पाएंगे। जी हाँ, चलिए देखते हैं, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक ऑल्सो। यस, आपकी जो इंट्यूटिव पावर थी ना, मैं अभी बोल के चुकी हूँ, अब वो बाहर ओपन हो चुकी है, इसलिए आप सारे डिसीजंस भी ले पाएंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे अपने ड्रीम्स पे। तो लेट्स टेक कृष्णास गाइडेंस फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। एब्सोल्यूटली, दी एंड का कार्ड आया, एवरीथिंग हैज टू एंड सम डे, बी प्रिपेयर, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। सो दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा आपको कह रहे हैं, आई गेस उनके पास यही गाइडेंस थी कि आपके जो माइंड में आप स्टक थे ना, जिसके कारण आप डिसीजंस नहीं ले पाते थे, चीजों को खुल के देख नहीं पाते थे, मतलब कि पकड़ के रख लेते थे, आपने अब फ्री छोड़ दिया। दिस इज द एंड ऑफ दैट फेज, नाउ इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिगनिंग्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको इन फ्यूचर आपसे रिलेटेड जो भी वीडियोज होंगी, और बेल के आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। सो नाउ मूव ऑन टू फेब्रुअरी मंथ, एस ऑफ
कप्स की एनर्जी, अ पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इनसाइट्स। आई गेस आप अपने रिलेशनशिप्स पे काम कर रहे थे जहां तक मुझे लग रहा है, अब वो आपके फुलफिल हो रहे हैं। या तो आपका पास्ट पार्टनर, अगर आप ब्रेकअप में थे, रिकंसिलेशन चाहते थे, सेपरेशन में थे, तो या तो वो वापस आएंगे एक अनकंडीशनल लव के साथ, पास्ट की सारी ग्रजेस को भूलते हुए, या फिर आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पार्टनर आपके आएंगे, हो सकता है घर वाले देखें, ठीक है। अनकंडीशनल लव, वेरी प्योर लव, डिवाइन लव आपको मिलने वाला है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। और अगर आप जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए सोच रहे थे, तो भी आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, ठीक है। जो भी काम आप सोच रहे थे ना, स्टक थे, अब वो स्टक वाला फेज खत्म हो रहा है जी। जनवरी में भी यही था, ठीक है, वो फेज खत्म आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। दिस इज अ गुड ईयर फॉर यू। अभी तक तो मुझे यही दिख रहा है, बहुत सारे हैं। लेट्स टेक ओके। मुझे लग रहा है ये यस जी हाँ, जो आपने पीछे जो भी अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए, जो भी आपके ड्रीम्स थे उसके लिए काम किया है, और वो मुझे लग रहा है शायद वो आपका मेन जो था वो फाइनेंसेस पे था, या फिर फाइनेंसेस के कारण ही आपका जो रिलेशनशिप था वो थोड़ा सा डाउन हुआ हुआ था। सेपरेशन पीरियड भी अगर आया था वो फाइनेंसेस के कारण था, या तो आपके पर्सन के फाइनेंशियल इश्यूज थे, या फिर आपकी फैमिली के भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली की तरफ से कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इस रिलेशनशिप को नहीं बनने दे रहे थे, या उनकी फैमिली की तरफ से भी कोई थर्ड पार्टी या फीमेल फिगर हो सकती है। मेरे को थोड़ा सा डार्क एनर्जीज दिख रही है, किसी ने हो सकता है जादू टोना टाइप भी किया और डार्क एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। तो नाउ दैट फेज इज गोइंग टू ओवर, ठीक है, वो फेज ओवर होगा और आप अपनी विशेष की तरफ बढ़ ही नहीं रहे, उनको पूरा भी कर रहे हैं, ठीक है जी। लेट्स टेक कृष्णास गाइडेंस आल्सो। जल्दी जल्दी दे देते हैं कृष्णा, है ना। ओके, देखिए न्यू बिगनिंग्स, आर यू सीइंग दैट। उससे पहले आया था दी एंड, जो पुराना पास्ट जितना भी था ना, पास्ट साइकिल्स जो बार बार हो रही थी लाइफ में, रुकावटें थी, चीजें वर्कआउट नहीं कर रही थी, नाउ इज द टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग, ठीक है। न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, उसके लिए आप ओल्ड चीजों को छोड़ दीजिए, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इट्स इज पॉसिबली ऑन इट्स वे। पूरी तरह से वो अपने वे में है, रास्ते में है। जो भी आपने न्यू बिगनिंग्स सोची है, न्यू बिगनिंग्स के दो दो कार्ड आ गए हैं, देखिए एस ऑफ कप का कार्ड भी है और न्यू बिगनिंग्स का कार्ड, दीज बोथ कार्ड्स आर फॉर न्यू बिगनिंग्स, ठीक है जी। तो आपकी लाइफ में अब न्यू बिगनिंग्स जो है ना वो डिस्टाइंड है, श्योरिटी कंफर्मेशन दे दिया कृष्णा ने, ठीक है जी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट मंथ की तरफ। द वर्ल्ड कार्ड, मेजर ऑर्कना, टू मेजर ऑर्कना, फर्स्ट मंथ में भी, थर्ड मंथ में भी मेजर ऑर्कना आया है, वो आपको क्या गाइड करें, अ वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनसाइट, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। जैसा पहले भी बोल चुकी हूँ आपके फर्स्ट मंथ में भी, कि अब आप आपका परसेप्शन चेंज हुआ है, आपकी जो इंस्टिंक्ट पावर थी ना, आप उसको समझने लगे हैं और उसको यूज भी करने लगे हैं। जो आपकी ओल्ड साइकिल्स थी, अभी सेकेंड मंथ में भी मैंने बोला, जो ओल्ड साइकिल्स थी वो सारी की सारी अब खत्म हो रही हैं, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। सो आई गेस वर्गो पीपल, कन्या राशि के लोग, आप मेरे सभी फ्रेंड्स, आप सभी की लाइफ में ना बहुत इस साल में जो चीजें काम नहीं हो रहे थे वो काम होने शुरू हो जाएंगे, ब्लैक मैजिक था वो खत्म हो जाएगा, थर्ड पार्टी लोगों के कारण जो आपके काम नहीं बनते थे वो हो जाएंगे, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपके खुद के माइंड के कारण, स्टकनेस के कारण चीजों को आप नेगेटिवली शायद लेते थे, उस सब के कारण चीजें नहीं बनती थी, अब वो फेस खत्म हो रहा है। आपका कार्मिक जो बैगेज था ना, गार्बेज था, वो अब क्लीन अप हो रहा है। 2024 में आपका जो कार्मिक बैगेज था, जिसके कारण आपके काम नहीं बनते थे, चीजें नहीं होती थी पूरी, ठीक है, स्टक रहते थे, वो चीजें खत्म हो रही हैं। ओके, थ्री कार्ड्स गेम, ओके, ऑलरेडी वी गॉट थ्री कार्ड्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टैरो, कैन यू सी दैट, द वर्ल्ड कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड From two different decks, same card came at same time also.
इन द मंथ ऑफ मार्च दिस इज द कंफर्मेशन कि आपकी जो भी साइकिल्स थी, कार्मिक साइकिल्स थी, अब वो ओवर हो रही हैं, न्यू बिगनिंग्स आपका वेट कर रही हैं, तो आप वेट कीजिए पेशेंटली, रातों को ये अब सब छोड़ दीजिए जो आप पूरी पूरी रात जागते थे, टेंशन लेते थे, स्ट्रेस लेते थे, एंजाइटी, इरिटेशन आपको बहुत ज्यादा जो होती थी, उन सब चीजों को अब आप ओवरकम कर जाएंगे और छोड़ भी दीजिए। अगर अभी भी कुछ बचा है तो उसको अभी से छोड़ दीजिए। मार्च तक की वेट क्यों करते हो, क्योंकि नाउ यू नो वेरी वेल कि आपकी न्यू बिगनिंग सारी, आपकी सारी कार्मिक साइकिल्स जो है पिछले जन्मों के कर्मों के कारण जो आपको जो कुछ भी फेस करना पड़ रहा था वो खत्म हो रहा है। अब आपकी लाइफ में सिर्फ न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, ठीक है। अब जो आपने कर्म किए ना उसके बेस पे अब आपके आगे की होने वाली लाइफ बनने वाली है, ठीक है। जो मुझे एक कार्ड दिखाई दिया है वो है बिलीव का, इफ यू बिलीव। ये सब तब होगा जब आप बिलीव करोगे इसमें, ठीक है जी। सो कृष्णा हैज गिवन टू टाइम, आपके टफ टाइम्स खत्म हो चुके हैं। कृष्णा इज सेइंग, टेलिंग टू यू, गाइडिंग यू, एश्योरिंग यू, आपका टफ टाइम खत्म हो चुका है। दिस इज द टाइम टू सरेंडर। आप सब कुछ कर चुके हैं, आपकी कार्मिक साइकिल्स खत्म हो चुकी है, आपने जो इस जन्म में अच्छे कर्म किए थे आप सरेंडर कर दीजिए उनको भी, लॉर्ड को आप जिनको भी मानते हो उनको सरेंडर कर दीजिए। आपको फ्रूट्स मिलने ही मिलने हैं, वो आपकी टेक केयर करेंगे आगे के लिए और आपके कामों को बनाएंगे। सो सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग वर्गो पीपल, कन्या राशि के लिए 3 महीने की जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 का बहुत अच्छा रहने वाला है मेरे हिसाब से। न्यू बिगनिंग से चैलेंजिंग पीरियड जो था वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मेजर ऑर्गनाइज आए हैं, ठीक है। लव लाइफ भी आपकी अब पहले से बेहतर हो जाएगी। अगर आप और भी इनसाइट चाहते हैं तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के थ्रू हम बहुत बेटर और बेटर डेप्थ में देख सकते हैं कि क्या क्या कमियां हैं, मिसिंग प्लैनेट्स हैं, उनको इंक्लूड करके आपके नाम को चेंज करके हम आपकी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और मेडिटेशन जरूर कीजिए। रेकी हीलिंग अगर आप करवाना चाहें या इन तीनों के कोर्सेज करना चाहें, रेकी हीलिंग, टैरो या फिर न्यूमरोलॉजी का, आप में से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9992966617। राधे राधे। जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस न्यू बिगनिंग्स इन 2024 जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो बाय फॉर नाउ।